नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी में समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर एक तरफ बवाल मचा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं और पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व में वो राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भड़क गई है, कांग्रेस ने उन्हें कायर करार दिया। उधर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कैराना से नाहिद हसन का नाम आते ही बीजेपी भड़क गई है। योगी आदित्यनाथ ने जहां समाजवादी पार्टी को तमंचावादी पार्टी कहा, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये नई नहीं वही सपा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस को लगे झटके की, क्योंकि कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके फैसले से बीजेपी जहां खुश है, वहीं यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के बीच उनके पाला बदलने से कांग्रेस के नेता बेहद खफा है। यूपी के सबसे बड़े चुनावी संग्राम के बीच कांग्रेस को जोर का झटका लगा। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के कद्दावर नेता और झारखंड के प्रभारी ने यूपी चुनाव के बीच पार्टी का दामन छोड़ दिया। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। ट्वीट कर उन्होंने मोदी, शाह और नड्डा के नेतृत्व में आस्था जताई और फिर पार्टी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धे जेपी नड्डा जी हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को धर्म राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है पूरा देश उसको सराहा रहा। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे में आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दे दिया और देश के साथ पार्टी की इतने वर्षों तक सेवा देने का मौका देने के लिए आभार जताया। मगर उनके इस्तीफे से कांग्रेस आग बगुला हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें कायर तक कह दिया। मुझे अभी आधिकारिक तौर पे नहीं पता है वो कहां ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। इस गुस्से की एक वजह झारखंड में मची खलबली भी हो सकती है। आरपीएन सिंह झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, तो डर इस बात का है कि यूपी चुनाव के बीच कहीं झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सत्ता न डगमगा जाए। तो व्यक्ति विशेष का कोई ये नहीं हो, मतलब नहीं होता, मतलब होता है पार्टी का और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक है वो सच्चे सिपाही है और कभी किसी को किसी तरह की बात हम समझते हैं कि ना उनका इस तरह का कभी इस तरह का प्रयास होगा और ना हम समझते हैं कि यहाँ के विधायकों का उनके जाने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। वैसे कांग्रेस के लिए यूपी में भी ये कम बड़ा झटका नहीं है। पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थामा, तो वहीं विधायक अदिति सिंह ने बगावत के बाद
बीजेपी को चुन लिया। हालांकि बीजेपी से पाला बदलकर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को मैं जब छोड़ चुका हूं, तो भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पर उतारती है किसको नहीं उतारती है ये भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द है। हमें तो कोई भी आएगा उसको हरा करके भेजना है। आपको लगता नहीं है कि सीधी लड़ाई होगी, क्योंकि जो मार्जिन पिछली बार रह जा रहा था वो बीजेपी पूरा करा दे। अब विपक्षी भले ही इसे खारिज कर रहे हों, मगर कांग्रेस के लिए ये एक नया संकट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पाला बदलने के साथ ही मध्य प्रदेश में उसके हाथ से सरकार निकल गई और अब झारखंड में खतरा मंडरा रहा है। वहीं पंजाब में सिद्धू चन्नी की तनातनी की टेंशन भी चरम पर है। रांची में सत्यजीत कुमार और दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात यूपी में समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि कल रात समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कैराना से नाहिद हसन और रामपुर से आजम खान के साथ ही स्वार से उनके बेटे अब्दुल्ला का नाम शामिल है। लिस्ट सामने आते ही बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोल दिया। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बैठे हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी, आज भी जनता खपा है। ये इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा। कैराना से पलायन के मुद्दे पर जिस नाहिद हसन के खिलाफ बीजेपी ने संग्राम छेड़ रखा था, आखिरकार अखिलेश यादव ने उसे ही टिकट दे ही दिया। 159 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई उसमें 8वें नंबर पर शामली के कैराना से नाहिद हसन का नाम है। लिस्ट के आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से जोरदार हमला किया। योगी ने लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, सपा प्रत्याशियों की सूची आते ही श्री अखिलेश यादव जी, आप जनता से जो छिपाना चाह रहे थे मजबूरी में जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। ये सूची नहीं, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है। 10 मार्च को सपा समाप्त पार्टी बनाने की सूची के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी का यह नारा झूठा था, धोखा था, फरेब था कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये नई सपा है। मैंने उस समय भी कहा था ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी, आज भी जनता खपा है। ये इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। जो कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा, यूपी के लोगों को यूपी छोड़ करके जाना पड़ा, आज वो सब वापस आ गए हैं, उनका स्वागत है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई नाहिद हसन, कोई मोहम्मद आजम खान, कोई मुजफ्फरनगर का दंगाई, कोई सहारनपुर का अपराधी, अब उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा नहीं सकता है। अगर वो डराने की कोशिश करेगा तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ईवीएम मशीन के माध्यम से जनता उसको करारा जवाब देगी, और जब करारा जवाब देकर के कमल खिलाएगी तब इनके होश ठिकाने आएंगे। समाजवादी पार्टी के लिस्ट में नाम तो जेल में बंद आजम खान और जमानत पर छूटे उनके बेटे अब्दुल्ला का भी है, मगर सबसे ज्यादा बवाल नाहिद हसन पर मचा है। नाहिद हसन को बीजेपी कैराना से हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार मानती है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने प्रचार की शुरुआत कैराना से की तो पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा
मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। जहां तक नाहिद हसन की बात है तो वो इस वक्त जेल में है। 6 फरवरी 2021 को पुलिस प्रशासन ने नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। 14 जनवरी को वकील के जरिए नाहिद हसन ने नामांकन दाखिल किया और अगले ही दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद नाहिद की बहन इकरा ने पर्चा दाखिल किया, मगर नाहिद की उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान कर अखिलेश ने साबित कर दिया कि वो बैकफुट पर जाने वाले नहीं है, भले ही बीजेपी उस पर कितने ही हमलावर क्यों न हो। किराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। नाहिद हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2017 में उन्होंने बीजेपी के मृगांका सिंह को हराकर चुनाव जीता था। नाहिद पर दर्जन भर मामले दर्ज हैं, उनमें से 3 मामलों का संज्ञान कोर्ट ले चुकी है। तो फिर आखिर क्या मजबूरी थी कि अखिलेश यादव ने नाहिद हसन को ही टिकट दे दिया। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत बीजेपी के वार को ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ये है कि जो इनका 2.5 महीने का प्रवास है, सरकारी मेहमान बन के हिंदू मुसलमान और जिन्ना, पाकिस्तान भी था वो छूट गया, वो इनकी लिस्ट में से निकल गया किसी कारण से, नहीं तो ये तीनों थे और इसी में ही ये वोट तलाश कर रहे, वोट इसमें से नहीं मिलेगी। ये कितना भी ये धक्का देने की कोशिश करेंगे ना इस गाड़ी को, जनता ने कह दिया या स्टार्ट नहीं होगी। हमने कहा भाई इस ऐसी गाड़ी को जो बांटती हो, इस गाड़ी को स्टार्ट मत होने दो, तो स्टार्ट नहीं हो रही, ये चाबी लगा रहे, सर्दी है लुक दिखा। ध्रुवीकरण से हटकर बात करें तो चुनाव में अपराधीकरण का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीएसपी ने भी निशाना साधा है। मायावती ने अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण के साथ ही गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। वहीं नाहिद हसन के अलावा बीजेपी आजम खान और उनके बेटे को टिकट दिए जाने पर भी हमलावर हुई है, मगर अखिलेश यादव ने इस बार सारे समीकरण साध लिए हैं। इसी के तहत उन्होंने मुस्लिम यादव के साथ गैर यादव ओबीसी और दलितों को टिकट दिया है। ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच भी उन्होंने तालमेल बिगड़ने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में ये वो 3 चेहरे हैं जिन पर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। रामपुर से अखिलेश यादव ने आजम खान को टिकट दिया है जो सीतापुर की जेल में बंद हैं। वहीं 10 दिन पहले जमानत पर छूटे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार टांडा सीट से उतारा गया है। रामपुर में अपनी अगुवाई में बीजेपी के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करवाने वाले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दावा कर रहे हैं कि आजम और अब्दुल्ला जैसे उम्मीदवार जनता की अदालत में खारिज कर दिए जाएंगे। जवाब में आज तक से खास बातचीत में अब्दुल्ला आजम ने अपने और अपने पिता पर किए गए मुकदमों को सरकार की साजिश बताया। वहीं उनके निशाने पर रामपुर के पूर्व एसपी और डीएम भी आए। एक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, और उसकी खूबसूरती यह है कि हर इंसान 5 साल बाद अपनी राय देता है कि वो अपना प्रतिनिधि कैसा चाहता है। लेकिन रामपुर में जो हालात हैं और जो अधिकारी इस मंडल में अभी बैठे हुए हैं, जिनके बारे में 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी शिकायत की गई और अभी बाई इलेक्शन में भी की गई और इस चुनाव में भी की जा रही है, और जो मुरादाबाद से बैठकर ये तय कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी से कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा। वहीं दागियों के मुद्दे पर बीजेपी के साथ रहे और अब अखिलेश के सिपा सालार बन चुके ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में ऊपर से नीचे तक दाग गिनाने से नहीं चूक रहे हैं। साइकिल चोरा समझता सबको, जिसके ऊपर खुद मुकदमे हो अपराधी, वो दूसरे को क्या कहेगा। अभी 5 साल सरकार चली, सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, अपना मुकदमा वापस किया, डिप्टी सीएम उनके ऊपर मुकदमे थे, मुकदमा वापस किया, संगीत सोम एमएलए हैं भाजपा से, उनके ऊपर उठा के देखिए, 156 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में अपराधी प्रवृत्त के थे, वहां तो ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है। दागियों और बागियों के इस जंग में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है।
बीजेपी समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर चढ़ाई कर रही है तो समाजवादी पार्टी इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है। कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से नाहिद हसन हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, चाहे आजम खान हो, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे रफीक अंसारी हो, चाहे मदन भैया हो, एक लंबी सूची है समाजवादी पार्टी के अपराधियों की। और समाजवादी पार्टी इन हिस्ट्री सीटर्स, इन गैंगस्टर्स, इन माफियाओं के दम पर सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को तीन ही कैंडिडेट दिख रहे हैं, जबकि कितनी बड़ी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये भाजपा के लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिना। और बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यह अहम मुलाकात हुई पार्टी ज्वाइनिंग के बाद सभी दिग्गजों से, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, दोनों डिप्टी सीएम, सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सभी मौजूद थे। स्वतंत्र देव सिंह को आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं आरपीएन सिंह ने कहा है कि पार्टी को और मजबूत बनाने में उनका योगदान रहेगा और उसे आगे की दिशा में ले जाने के लिए वो कार्यरत रहेंगे। आज तक एचडी सबसे तेज, सबसे ज्यादा।